घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव उदराहा निवासी फूलचंद की पौत्री को एक माह पूर्व पड़ोस के रहने वाले महेंद्र का फुफेरा भाई बहला फुसला कर अपने साथ ले गया, जिसका मामला थाने पर दर्ज था। इसी को लेकर दोनों ओर से आए दिन विवाद होता रहता था। शनिवार को किशोरी घर पर काम कर रही थी, इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर एक दूसरे पर आरोप लगाकर तहरीरें पुलिस को दी। दोनों पक्ष अपने घर चले गए। देर शाम लड़के पक्ष के महेंद्र ने अपने भाई सर्वेश, अशोक कुमार, रामकिशन, आकाश के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और लड़की पक्ष के विरोध करने पर सभी लाठी डंडे व धारदार हथियारों से लैस होकर फूलचंद के घर में घुस आए। सभी फूलचंद के ऊपर हमलावर हो गए और फूलचंद को गंभीर रूप से घायल कर दिया। झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुए फूलचंद की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक फूलचंद पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा से भाजपा विधायक बाबूराम पासवान के चचेरे भाई हैं। इसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए अन्य लोगों को 108 एम्बुलेंस की मदद से उनको CHC पूरनपुर में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद से गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ग्राम उदराहा थाना घुंघचाई में दो पक्षों के बीच आपस में विवाद हो गया, जिसमें एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शव को PM के लिए भेज दिया गया है तथा मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रचलित की जा रही है। क्षेत्राधिकारी पूरनपुर विशाल चौधरी ने बताया कि घटना की जानकारी लगने पर मौका मुआयना किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।